हेलो एवरीवन, नंदिनीज किचन में आपका स्वागत है। अभी सर्दियाँ बहुत हो रही है तो इसमें गर्मा गर्म सूप पीना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी टोमेटो सूप, जिसमें है बहुत सारी हेल्दी सब्जियाँ और बढ़िया टेस्ट। आज हम इसमें ना तो बटर डालेंगे ना ही क्रीम, पर फिर भी हमारा सूप बहुत यम्मी और टेस्टी बनेगा। तो टोमेटो सूप बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी सूप। हाँ, सूप बनाने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट जरूर दें कि आपका सूप कैसा बना। तो चलिए, सूप के लिए मैंने लिए हैं 5 टमाटर जिसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, आधा बीटरूट जिसे मैंने छील के काट लिया है, एक गाजर उसे भी छील के काट लिया है, और एक छील के लंबा कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील के लंबा लंबा कटा हुआ, आधा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच शक्कर और 3 लहसुन की कलियां छील के काट ली है। अब हम कुकर में सबसे पहले टमाटर डालेंगे। उसके बाद उसमें गाजर ऐड करेंगे, फिर प्याज डालेंगे, अदरक, बीटरूट, लहसुन, और 1 कप जितना पानी डाल देंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे नमक और काली मिर्ची पाउडर। उसके बाद हम कुकर को ढक्कन बंद करके और 3 सीटी लगा देंगे। ये हमारे कुकर में सीटी बज गई है। ये सारी सब्जियां उबल चुकी है। अब हम इनकी थोड़ी सी भाप निकलने के बाद में इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैंने इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। इसे हमें 2-3 मिनट से ज्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा। वैसे बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि हमारी सारी सब्जियां बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, सारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी है और सूप रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हम इसे छानेंगे। मैंने एक भगोली ली है और उसमें सूप की छलनी रखी है। हम इसमें सूप को छान लेंगे। बहुत आराम से छाना जाता है। ये सूप बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनता है। मेरे घर में ये अक्सर बनता है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने सारा सूप छान लिया है। इसका जो थोड़ा से छिलके और बचे हैं उसे हम निकाल देंगे, ये पल्प को फेंक देंगे। ये देखिए, सूप एकदम सही कंसिस्टेंसी में। इसमें ना तो हमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ना ही कुछ और ऐड करना है। अब हम इसमें मिलाएंगे काला नमक और शक्कर और इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे, हिला के और गरम कर लेंगे, जिससे शक्कर और इसमें मिक्स हो जाए। अब ये सूप एकदम रेडी है। इसे मैंने सूप के बाउल में लिया है। इसमें मैंने ना तो क्रीम डाला है ना बटर डाला है। उसके बिना भी ये सूप बहुत टेस्टी बना है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बस ये हमारा सूप बन के रेडी है। आप इसमें मसाले अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर कटे हुए स्प्रिंग अनियन डाले हैं, जो बहुत ही टेस्ट
अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। हमारा सूप बनके तैयार है, तो आप मुझे ये रेसिपी बना के जरूर बताइएगा प्लीज। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट देके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये सूप कैसा लगा।